हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बताने जा रही हूँ जो आपकी स्किन पे गुलाबी सा निखार लाएगा, आपकी स्किन को लाइट ब्राइट ग्लोइंग हेल्दी बनाने में काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ये एंटी एजिंग में भी वर्क करता है। आपकी स्किन में डार्क स्पॉट है, एक्ने है, पिंपल्स है, रिंकल्स की प्रॉब्लम है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, ड्राई है, तो आपकी स्किन को ग्लोइंग ब्राइट हेल्दी बनाएगा, आपकी स्किन में एक नेचुरल सा ग्लो लाएगा। आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है गुड वाइब्स का रोज पेटल पाउडर। सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू कर दूँ, उसके बाद फिर किस तरह से यूज़ करना वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये गुड वाइब्स का रोज पेटल पाउडर है। इसकी नेट क्वांटिटी 30 ग्राम दी गई, प्लस इसमें मेंशन किया गया नो पैराबेंस, नो सल्फेट एंड क्लोरिटी फ्री है। इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें रोज पेटल पाउडर यूज़ किया गया है, प्लस इसमें आपको कस्टमर केयर का नंबर दिया जाता है। और इसकी एमआरपी की बात की जाए तो 105 रुपीज़ की एमआरपी है, और इसमें आपको 2 ईयर की सेल्फ लाइफ मिल जाती है। प्लस इसमें कुछ चीज़ें मेंशन की गई, आपको ये किस तरह से यूज़ करना वो मैं बता दूँ। तो ये मल्टी यूजेस पाउडर है। ये आपकी स्किन को लाइट ब्राइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ये आप स्किन के साथ साथ हेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको ब्रेकेज वगैरह की प्रॉब्लम है, आपके जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, तो उसे भी ये थिक स्ट्रांग बनाने में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है आपके हेयर को, और आपके हेयर को नरिश करता है, स्किन को नरिश करता है। और किस तरह से यूज़ करना वो भी इसमें मेंशन किया गया है। आप इसे दही के साथ भी मिक्स कर सकते हो, ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले, रोज़ वाटर के साथ मिक्स कर सकते हैं, और आप इसे पानी के साथ भी मिक्स करके आप अपने हेयर पर लगा सकते हो। और अपनी आई एरिया से केयरफुल रहना है, आपको एक्सटर्नली यूज़ करना, इरिटेशन वगैरह होती है तो आप इसे यूज़ ना करें, और यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। पैकेजिंग की बात की जाए तो पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ट्रायल फ्रेंडली, आप इजीली कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हो। और एक प्लास्टिक के पॉट में आता है, गिरेगा तो टूटेगा नहीं। इस पर गोल्डन कलर की कैप दी जाती है, आप देख सकते हो मैंने इसे कितना यूज़ किया है। काफ़ी अच्छा ये पाउडर है और काफ़ी अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है। अगर आप इसे बाय करना चाहोगे तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो किस तरह से यूज़ करना वो मैं आपको बता दूँ। पहले मैं आप एक क्लीन बाउल ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच जितना रोज़ पेटल पाउडर ले रही हूँ। आप अपने फेस के साथ साथ अपने नेक पोर्शन को भी कवर कर सकते हो। मैं यहाँ पे फिलहाल 1 पर्सन के लिए बना रही हूँ। और अगर आपके पास ये रोज़ पेटल पाउडर नहीं है तो मार्केट में जो रोज़ मिलते हैं आप उसके पेटल्स को अलग कर लो, उसके बाद फिर मिक्सी में ब्लेंड कर लो, उसका पाउडर फॉर्म तैयार कर लो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चावल का आटा ले रही हूँ। मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच जितना चावल का आटा ले रही हूँ। ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। मैं इसे यूज़ करती हूँ इसी तरह से, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच जितना चावल का आटा लिया है। उसके बाद फिर मैं इसमें हनी ले रही हूँ। विंटर का सीज़न चल रहा है तो आप जानते हो विंटर में हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, तो नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले 1/2 चम्मच जितना हनी ले सकते हैं, और ड्राई स्किन वाले पूरा 1 चम्मच जितना हनी ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें रॉ मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हो, दूध भी ऐड कर सकते हो। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप इसमें मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर सकते हो, और पानी के साथ या रोज़ वाटर के साथ आप मिक्स करके इसका पेस्ट लगा सकते हो। मैं यहाँ पे कच्चा दूध यूज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे इसको दूध को बॉईल नहीं किया है। उसके बाद फिर हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको यहाँ पे मीडियम कंसिस्टेंसी बनानी है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ आपको उसी तरह से करना है। आपको इसे बना के रखना नहीं है, आपको इसे तुरंत ही बनाना है और तुरंत ही अपने फेस पे अप्लाई करना है। आप अपने फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लो। क्लीन करने के बाद फिर आप अपने फेस पे ये अप्लाई कर लो। आपको इसे हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ करना है। आप इसे 10 से 15 दिन तक करो, आपकी स्किन में आपको बहुत ही अच्छा फर्क नज़र आएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हो मैंने अपने फेस पे कुछ इस तरह से अप्लाई किया। आप जब भी यूज़ करो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करो, उसके बाद फिर 20 से 25 मिनट तक के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दो। ड्राई होने के बाद फिर आपको हल्के हाथों से मसाज करते हुए, स्क्रब करते हुए इस पैक को निकालना है, कि आपकी स्किन को लाइट ब्राइट ग्लोइंग हेल्दी बनाने में काफ़ी अच्छा वर्क करता है। स्किन लूज है उसे टाइट करता है, आपको धूप के कारण सन टैन की प्रॉब्लम होगी उसे डिटैन करता है, स्किन में फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, उम्र के पहले ही आप में बुढ़ापा आ गया, या 40 के हो और 20 के दिखने चाहते हो तो भी आप ये यूज़ कर सकते हो। आप ये पैक लगाओगे आपको खुद अपनी स्किन में बहुत अच्छा फर्क नज़र आएगा। आपके फेस से ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उसे भी ये कंट्रोल करता है। आपकी डल स्किन को हेल्दी ग्लोइंग ब्राइट बनाने में ये हेल्प करता है। आपकी रफ स्किन है उसे भी ये सॉफ्ट हाइड्रेट मॉइस्चराइज बनाता है। जब आप ये पैक लगाओगे आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा कूलिंग सा इफेक्ट देता है। आपकी स्किन में एक्ने है, पिंपल्स है, स्कार्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, डिस्क्लेरेशन की प्रॉब्लम है, पुराने से पुराना डार्क स्पॉट है आपकी स्किन में,
तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ये रिड्यूस करेगा, आपकी स्किन को रिजुनेट करता है, हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। आप ये DIY पैक ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।